कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है। जी मैम। आरती सक्सेना। हेलो मैम। आपने अभी बोला कि आप जहाँ भी जाते हैं अपना परिवार लेके जाते हैं। जी राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पूरा देश लेके चलते हैं। शुक्रिया मतलब थैंक यू। आप खुश रहते हैं तो लोग खुश रहते हैं, आप दुखी होते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी मैं हमेशा शो देखती हूँ आपका, तो आपकी मम्मी हमेशा रहती हैं शो में। जी। आपने एक अच्छे बेटे होने का सबूत तो दे दिया। ये एंग्री बर्ड के जरिए आप एक्चुअली अपने बेटे को मतलब अच्छे डैडी बनने का सबूत दे रहे हैं। अभी वो आने वाले हैं तो पहले से तैयारी। ये पहले से लाइक छोटे बच्चे बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। नहीं मतलब लाइक तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी में मुझे लगता है ये डेस्टिनी आपके लिए अपने आप ही प्लान करते हैं। तैयारी देखिए, ये भगवान ने मुझे खुद ही ऐसे काम में भी ऐसा दे दिया कि जो भी होगा, बेटी होगी, बेटा होगा, जो भी होगा स्वस्थ हो। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और पर जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी बच्चा, तो वो देखेगा जबकि अच्छा मेरे पापा ने ये सब किया है, तो प्राउड फील होगा। क्योंकि सबसे पहले तो वो ऐसी ही फिल्में देखेगा, सीधा तो शोले देखेगा नहीं। तो जब वो बच्चों वाली फिल्में देखेगा तो मैं बताऊंगा उसको कि बॉस दैट्स मी। सबसे पहले ये वाली फिल्म दिखाना उसे, है ना, जब वो हाँ ये अपनी एंग्री बर्ड। बिल्कुल। नहीं, हमारे घर में एक साल का बच्चा है, वो यही देखता है, इसलिए मुझे लगा कि आपका अभी आने वाला है तो ये वो भी यही देखने वाला है। विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, हाँ जी, नहीं वो तो प्रोसेस शुरू हो गया ना, बीबी क्या टिप्स लेने। नहीं ऐसी कोई टिप्स तो नहीं किसी से ली, पर हाँ मतलब हमने देखा है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। सो मेरा बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार रहता है। तो मैं जब अमृतसर में भी रहता था तो मेरे फादर बड़ा बच्चों से प्यार करते थे। हम लोग क्या, सब पुलिस वाले थे, कॉलोनी में रहते थे, तो सब पुलिस वाले तो अपनी जॉब पर चले जाते थे, तो बहुत सारे छोटे बच्चे थे हमारी कॉलोनी में। हम लोग ऐसे उनको ले आना, उनको नहला देना, पाउडर डाल देना, बैठे रहना, तो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, अपनी खुद की प्रोडक्शन है। We've seen in the trailer how frenemies become friends, you know, ultimately. आपके रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है आपके कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो इसे कोई एंग्री बर्ड बनकर जब सामने आते तो कैसे डील करते हैं आप? कितना स्मार्ट वे पूछ देना चाहिए। नहीं कोई नहीं सर, पता क्या होता है, हाँ होता है हर इंसान के अंदर, हर तरह के इमोशंस होते हैं, और मुझे लगता है बींग एक्टर आपके अंदर सब तरीके के इमोशंस होने भी चाहिए। जब आपको बेसिकली एक्टर करता क्या है, इमोशंस ही तो हम लोग बेचते हैं अपने, कि जब उदास हैं तो आप दिखते हैं, आप कोई वैसी चीज़ याद करके आप वैसा एक्सप्रेशन जो